मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने पन्ना की घटना को हृदय विदारक बताया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के दावे पर कांग्रेस नेता ने मुहर लगा दी है। बता दें कि इसके अलावा अन्य और कई मुद्दों पर भी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। अंदर जो घटना हुई, प्रथम दृष्टया वह हृदय प्रदारक घटना थी। जो भी प्रयास किए वो घृणित प्रयास थे, क्योंकि वो विषय किसी के परिवार की बिटिया चली गई थी और वो उसकी सहेली थी, इसलिए था। पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक बिटिया की आंखों का सवाल है, तो जो मुजरिम पकड़े गए थे और उन्होंने जो बताया कि हमारे यहाँ अकौआ का दूध जो होता है उसको डिस्टिल वाटर में मिला के उन्होंने डाला था, ऊपर स्किन उसकी जली है पर अंदर आंख को ज्यादा क्षति नहीं हुई है। वहां पर लोकल डॉक्टरों को भी दिखवा लिया है, आंखों से उसे दिख रहा है। अभी वर्तमान में चित्रकूट के नेत्र चिकित्सालय में भी उसकी जांच हो गई है, वहां भी उसकी आंखों को वहां के डॉक्टरों ने ठीक बताया है। लेकिन अभी 24 घंटे उसे और ऑब्जर्वेशन में चित्रकूट के नेत्र चिकित्सालय में रखेंगे। अपराधी पकड़ लिए गए हैं, सख्त कार्रवाई की जा रही है। मित्र, हम अभी 15 महीने से सरकार में नहीं आए हैं, हम 15 साल से सरकार में है भारतीय जनता पार्टी। पहले तो इन्होंने कभी आरोप लगाए नहीं, बदलापुर इन्हें क्यों दिखता है। पिछले 15 साल में इन्होंने ऐसा आरोप नहीं लगा पाए। अभी इसलिए लगा रहे हैं कि मैं उसकी जीती जागती उदाहरण हूं। मेरा स्टाफ जो आपके सामने खड़ा है, ये सब जेल होके आया है बिना आरोप के। मेरे यहां 18 लोग जेल में गए, 6 तो पार्षद थे, जिनमें से एक दो पार्षद तो अभी यहां भी खड़े हुए हैं आपके पास। ये चुने हुए पार्षद कमल के फूल पर 302 के केस में झूठे जेल में भेजे गए। ये होता है बदलापुर। बदलापुर ये नहीं होता है कि आप अधिकारी से अभद्रता करो, वीडियो आपके वायरल हो, केस लग जाए तो बदलापुर कहलाए। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ गलत व्यवहार करे वो अच्छा नहीं है, वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो। कानून अपना काम करता है और इसलिए इसके बदलापुर कहके अपने अकर्मण्यता को न छुपाएं, अपनी अयोग्यता को न छुपाएं। से अपन व्हाट्सएप देखते हैं ना, तो व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आ जाता है तो अपन मान लेते हैं कि सामने वाला अधिकृत हो गया, पढ़ लिया गया, हमारा अकाउंट जो है अधिकृत हो गया। फेसबुक पे हो जाता है। 50 साल से जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, 50 साल से कांग्रेस ही रहे और मुख्यमंत्री बरसों तक रहे, अब तो उन दोनों ने कह दिया बहन भाई को कि ये तो अभी नासमझ है। पहले हम कहते थे तो मानते नहीं थे, कहते थे लो अब ये मजाक उड़ाते हैं हमारे नेता का। अब कोई नहीं बोल रहा कि मजाक कौन उड़ा रहा है, कौन ना समझ कह रहा है इनको। तो ये स्थिति अब इनके नेतृत्व के बारे में हो गई है कि अनुभवहीन व्यक्ति है और ये 50 साल से कांग्रेसी रहे, मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति ने मोहर लगा दी। अब तो मान जाओ कांग्रेस के मित्रों के अनुभवहीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर कटाक्ष किया है जो कारपोरेट कल्चर से बल्लभ भवन चलाते थे और मैदान में जाते ही नहीं थे। हमारे मुख्यमंत्री तो रोज मैदान में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और वो बल्लभ भवन में ही बैठे रहे। कारपोरेट कल्चर से ही चलाते थे, उन्हें सोचना चाहिए। स्पोर्ट कोटे से जिनने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, कांस्य पदक हासिल किए हैं, उससे भी होगी और वैसे भी होगी, दोनों तरीके से होगी।